एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंप्लेन प्रारंभ कर दी है, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो रहते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। यूपी के कानपुर में देर रात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। घटना कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की है, जहां पुलिस बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी, पर वहां बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमला करने वालों में से एक बदमाश को मार गिराया है। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की थी। इस वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। योगी आदित्यनाथ ने घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है और बदमाशों को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी गंभीर हालत में घायल हैं। पुलिस हत्या के प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बदमाशों की गोली से 3 सबस्पेक्टर और 4 सिपाही भी शहीद हुए हैं और 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। घायल हुए बिठूर के थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल अजय सिंह सेंगर, सिपाही अजय कश्यप, शिव मूरत निषाद थाना चौबेपुर, होमगार्ड जयराम पटेल, एसआई सुधाकर पांडे, एसआई विकास बाबू को रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी घटना के बाद कानपुर देहात, कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा और अरैया की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। जीटी रोड पर स्थित गांव में हुई इस घटना के बाद जीटी रोड पर जगह जगह बैरियर लगाकर संघन तलाश हो रही है। फॉरेंसिक टीमें घटना स्थल पर जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी हैं। वहीं अपराधी विकास के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है।